बिड़ला ऑडिटोरियम में सोमवार को आयोजित हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भव्यता और उत्साह के साथ भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह समाज को खा रहा है। यदि हमें प्रदेश और देश को विकसित करना है तो इसे जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने लोक सेवकों को शुचितापूर्ण आचरण अपनाने की प्रेरणा दी और नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। एसीबी की पूरी टीम सदैव सजग ध्येय वाक्य के अनुरूप पूरी तरह सजग, समर्पित और प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24/7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। डॉक्टर मेहरा ने एसीबी राजस्थान के 67 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और उल्लेखनीय सफलताओं का उल्लेख करते हुए जन जागरूकता अभियानों और सजग ग्राम योजना की जानकारी दी। उसके बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और सरकारी सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक रहकर और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को सफल बनाने की अपील की। आपको बता दें, समारोह में राज्यपाल मिश्र ने एक पोस्टर और लघु फिल्म का उद्घाटन किया जिसमें एसीबी राजस्थान की यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इस अवसर पर एसीबी के पूर्व महानिदेशक, एसीबी के अधिकारीगण, अन्य सरकारी अधिकारी तथा प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।